हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज बहुत दिन के बाद ये रेसिपी बना रही हूँ, मतलब कुछ दिन इसको मैं ट्राई कर रही थी बनाने के लिए घर में, ताकि मेरे से बन जाए या नहीं। तो चलिए मैं रेसिपी लेके आई हूँ। पहले चलिए हम, ये रेसिपी का नाम है मैंगो केक। तो उससे पहले हम चलिए इसको ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सारा चीज़ें निकाल के ले ली हूँ, इसको पहले ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। और थोड़ा सा ले लेंगे ऑयल इसमें से। और ये हमारा ग्रीस हो चुके हैं। चलिए इसमें हम मैदा डाल देते हैं। बस इसको हम इसे ऐसे मिलाते जाएंगे, मतलब इसको चारों तरफ स्प्रेड करते जाएंगे, ताकि एक लेयर मैदा की लग जाए। तो हो गया, इसको मैं झाड़ लेती हूँ, उसके बाद दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये मतलब बेक करने के लिए जो पतील ये ली हूँ, इसको मैं मैदा से लगा ली कोटिंग करने के लिए। इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पे और एक बर्तन लेते हैं, थोड़ा सा पानी है। चलिए इसमें हम, ये रहा हमारा हाफ कप चीनी, और मैं थोड़ी सी यहाँ पे चीनी लूँगी। और लगभग आधे से कम थोड़ा चीनी ले रहे हैं। और यहाँ पे एक चौथाई कप ऑयल ली हूँ। इसमें हम डाल देते हैं अभी ये दूध डाल देते हैं, ये एक कप दूध है। इसको मिला लेते हैं। और इसमें हम कुछ ड्रॉप वनीला एसेंस के डालेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं डाल सकते हो, अगर है तो अच्छी बात है। और सिर्फ आम डाल के कर सकते हो, मतलब बना सकते हैं। इसको साइड में रख लेते हैं और थोड़ा सा मिला लेते हैं। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। चलिए इसमें हम अब मैदा डालेंगे। दोस्तों इस मैदा में मैं एक चम्मच कॉर्नफ्लोर ली हूँ। और आप ले लेंगे, यहाँ पे ये पूरा डेढ़ कप मैदा है। दोस्तों चलिए यहाँ पे हम, ये रहा हमारा बेकिंग पाउडर जो एक डेढ़ चम्मच है, ये एक चम्मच और ये एक चम्मच। और यहाँ पे हम नमक हाफ चम्मच से कम, मतलब टीस्पून से कम है, इसको भी हम मिला लेते हैं। अगर आपको बैटर थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप और दूध मिला सकते हो, अगर नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए हम इसमें अब ये मैंगो डाल देते हैं। ये पूरे एक छोटे तीन मैंगो को मैं मतलब पीस के लिए हूँ ग्राइंडर में। चलिए अब इसको बॉयल, मतलब चीनी और इसके जगह पे इसको आप बना के, मतलब आग में जैसे जाम बनाते वैसे बना के आप ले सकते हो। चलिए इसको हम अब मिला लेते हैं अच्छे से। दोस्तों देखिए यह हमारा बैटर कुछ, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा आंबों का, सॉरी दोस्तों आम का पल थोड़ा दूर रह गया है। चलिए इसको भी मिला देते हैं अच्छे से। दोस्तों इसमें हम मिलाएंगे आम का थोड़ा थोड़ा पल्प रह गया है इसमें।
दोस्तों मैं इसको अच्छे से मिला लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं इसको मिला रही हूँ। चलिए इसको थोड़ी देर में हम जिसमें बेक करने के लिए जा रहे हैं उसी में इसको डाल के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब जब तक हमारा कढ़ाई या जिसमें हम इसको बेक करेंगे वो भर मतलब गर्म ना हो जाए अच्छे से। दोस्तों ये बैटर बहुत मतलब क्या बोलते हैं अच्छा बना है। चलिए अगले प्रोसेस के लिए हम जाते हैं। चलिए इसको साइड में रख देते हैं और इसको थोड़ा सा हम चेक कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं कढ़ाई रखती हूँ गैस के ऊपर और चलिए गैस ऑन कर लेते हैं और हाई फ्लेम पे इसको रख देंगे हम कढ़ाई में बनाएंगे। तो इसके अंदर थोड़ा हम कपड़े से पोंछ लेते हैं ताकि पानी वगैरह सब चला जाए। चलिए इसमें हम नमक डाल देते हैं। दोस्तों ये नमक मैं बहुत बार यूज कर चुके हैं इसलिए इसका मतलब ये कलर इसका चेंज हो गया है। कोई बात नहीं, इसको हम बार बार चेंज मतलब कर सकते हैं यूज। तो चलिए इसके अंदर हम स्टैंड रख देते हैं और इसको हम ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं, गर्म होने के लिए देते हैं हाई फ्लेम में 10 मिनट तक। यहाँ पे हमारा ये बैटर है, इसको हम इसको टेस्ट करने के लिए नहीं तो थोड़ी देर के लिए रखें ताकि हमारा कढ़ाई गर्म हो जाए अच्छे से, उसके बाद हम इसको डाल देंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ये कढ़ाई गर्म हो चुका है, सावधानी से इसको रख देंगे। उसके बाद हम इसका फ्लेम को लो कर देंगे ध्यान से। फ्लेम हम इसको लो कर देंगे क्योंकि कढ़ाई हमारा बहुत गर्म हो चुका है और इसको बंद हम छोड़ देंगे और बीच में हम एक चेक करें ताकि पता चले कि केक हमारा हो गया या नहीं। चलते हैं आगे, तब तक हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से हिट करें। मिलते हैं आगे प्रोसेस में, मतलब आगे केक बनने के बाद दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं हमारा ये मैंगो केक कहाँ तक गया, मतलब कितना पका है या नहीं पका है। दोस्तों ये देखिए बिना कलर डाले हुए मेरे मैंगो का मतलब क्या ही कलर आया, ये मतलब सॉरी केक का क्या ही कलर आया था, मैंगो एकदम अच्छा था। दोस्तों देखिए ये हमारा केक हो गया है। चलिए इसको थोड़ी देर मतलब निकाल लेते हैं और इसको ऐसे छोड़ देते हैं थोड़ी देर। दोस्तों इसको निकाल देते हैं साइड में और मैं यहाँ पे और एक केक बना रही हूँ जो कि एकदम सिंपल। यहाँ पे ले आएंगे, इसके ऊपर हम एक कपड़ा ढक देंगे किचन टावल, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और मिलते हैं आगे इसको डिमोल्ड करने के टाइम पे। दोस्तों यहाँ पे हमारा केक ठंडा हो चुका है, चलिए इसको हम निकाल देते हैं। तो केक हमारा कुछ इस तरह बना है, एकदम पीला एकदम येल्लो कलर। इसके साइड से पहले हम चाकू से इसको हम काटेंगे ताकि आसानी से ये निकल जाए। चलिए इसको हम निकालेंगे। चलिए अब निकालते हैं केक हमारा। चलिए इसको हम निकाल देते हैं। दोस्तों देखिए ये केक हमारा एकदम अच्छे से निकल गया है, एकदम अच्छा हो गया है। चलिए इसको उलट देते हैं, इसको साइड रख देते हैं। दोस्तों देखिए ये हमारा केक एकदम बहुत सॉफ्ट बना है, आप लोगों को भगवान। चलिए
थोड़ा सा काट के देखते हैं इसके ये किससे बना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा केक कट चुका है और देखते हैं इसके अंदर। दोस्तों देखिए यहाँ पे एकदम सॉफ्ट बना है। चलिए यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और एकदम आसान घर में बनी हुई आसान से रेसिपी है ये, इसको जल्दी ज़रूर से बनाएं क्योंकि आम का सीज़न चला जाएगा तो बाद में पछताओगे आप लोग। तो बनाइए और खाइए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर से हिट करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जाए और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।